हाँ, फिर आगे हुआ क्या कि लाइन लगा था, लंबा चौड़ा लाइन था, यानी 100-150 लोग होंगे लाइन में लगे थे हम लोग बोर्डिंग लेने के लिए। तो मतलब 15 मिनट से तो खड़े थे ही हम लोग, आगे से एक ने मना भी कर दिया था, मेरा दिमाग थोड़ा उसमें घूम गया। मैं बोला चलो इसके ज़बरदस्ती थोड़े है, नहीं लिया नहीं लिया कोई बात नहीं, पैसा भर देंगे। 110 दरहम लगता है, 5 किलो का लगता है हमारा, 550 दरहम लगता, कोई बात नहीं भरता मैं, लेकिन होता है जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। आगे से क्या हुआ कि लाइन लंबी थे ना, बीच में से 3 आदमी को बुला लिया, काउंटर पर जो था ना वो जो ट्रॉली बॉय होता है उसको इशारा किया कि वो 3 आदमी को बोलो आने के लिए पहले, यानी बोर्डिंग देने के लिए। तो सब लोगों ने देखा तो बोला अरे ये क्या बात है, हम लोग लाइन में खड़े हैं और ये बीच में से 3 आदमी चले गए, हम लोग क्या पागल हैं क्या हम लोग खड़े हैं? अरे स्टाफ से बोलना चाहिए, आपस में बोल के क्या फ़ायदा है। तो मैंने भी आवाज़ लगाया, मैं वो ट्रॉली बॉय के बुलाया, मैं बोला इधर आया, तो मैं बोला तुम क्यों उनको लाइन से क्यों नहीं जाने दिया कि बीच में से उनको बुला लिया? तो बोलता हमने नहीं बोला, सर ने बोला। हम बोले सर बोला तो क्यों तुम, मतलब सर जो बोलेगा वही करेगा। तो बोलता हम क्या करेंगे सर, उन्होंने बोला उन बुला दो, तो मैं बुला दिया। मैं थोड़ा ऊंची बात बोला तो काउंटर पर का वो सुन रहा था, तो इशारा किया मेरे को कि आ जाइए आप भी आ जाइए। तो मैं उधर गया, बोलता है क्या हो गया सर, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? हम बोले बिल्कुल प्रॉब्लम हुआ, आप बीच लाइन में से बुला रहे हो किसी को, आप बुला करके आप ये बाकी लोग जो खड़े हैं वो क्या हैं, वो उनको किस गिनती में ले रहे हो आप? उनको तो VIP गिनती में ले लिए हो, तो VIP चैनल से निकालो उनको, बीच लाइन में से क्यों तोड़े? तो बोला क्या हो गया अगर कर दिया तो? मैं बोला नहीं करना है ना, हो क्या गया, बार बार क्या बोल रहे हो क्या हो गया क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया। दूसरे लोगों को आप इधर छोड़ दिए या उनको बुला लिए, तो वो लोग बेचारू ठक्कू हो गए, बोलते ठीक है सर कोई बात नहीं है, हम चले जा रहे हैं दोबारा, हम लोग लाइन में लग जा रहे हैं। हम बोले देखिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप लाइन में जाओ मत जाओ, बुलाए इन्होंने, इनसे मैं बहस कर रहा हूँ क्यों बुलाए। अब वो जीत पर अड़ा हुआ था, मैं बोला कि नहीं इनका तो बोर्डिंग में नहीं देने दूंगा, बुलाओ पहले अपने मैनेजर को, उसको उससे मैं बोलूँगा तुम्हारा कारनामा कि तू बीच में से बुला रहे हो जान पहचान वाले लोगों को, बीच में से ये कर रहे हो तुम, ये कौन सा है डिसिप्लिन सबके लिए है ना, यानी हम लोग क्या पागल खड़े थे वहाँ पे? तो समझ गया कि ये नहीं छोड़ेगा। तो फिर वो लोग बेचारे 3 आदमी थे, तीनों आदमी लाइन में फिर लग गए, लाइन में लग गए वो लोग। वो लोग हमको बोल रहे हैं कि अच्छा पहले आप ही कर लो। हम बोले पहले हमको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जब नंबर आएगा तभी मैं जाऊँगा काउंटर पर, लेकिन आप लोग से मेरा कोई बहस नहीं, बहस इनसे है। अगर ये बुला भी लिए ना तो इनको कुछ एक्सक्यूज कर देना चाहिए मेरे साथ में। तो इन्होंने बोल रहे हैं क्या, मैं बुला लिया तो क्या हो गया बोले हैं, इसलिए मैं ये लाठी जैसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं डंडे जैसे बात कर रहा हूँ इनसे, कायदे से बोलते हैं तो मैं भी बोलता हूँ कि कोई बात नहीं जान दो। तो मैंने अड़ा रहा अपने जीत पर, तो मैनेजर का नाम सुना तो उसने, वो लोग खुदे चले गए लाइन में लग गए जाके। तो बॉम्बे के ही कुछ लड़के थे, वो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए आए थे एयरपोर्ट में, वो लोग भी लाइन में ही खड़े थे, बोर्डिंग दिला रहे थे अपने माँ बाप को, वो लोग विजिट पर गए थे शायद, माँ बाप को बुलाए थे विजिट पे घूमने के लिए। तो वो लोग देख रहे थे बहुत देर से, हालांकि सब लोग देख रहा था कि लड़का तो कायदे से बात कर रहा है, बाकी लोग तो वहीं यहाँ आई हुई कि ये बस खाली स्टाफ से बात करना चाहिए ना, जो बुलाया उससे बात करने का ना, आपस में बोल के क्या फ़ायदा है। तो मैं तो कभी गलत करता नहीं, गलत करता हूँ तो वहाँ एक्सक्यूज कर लेता हूँ, सॉरी भी बोल लेता हूँ, अगर कोई गलत करता है तो फिर मैं छोड़ता भी नहीं उसको। तो हमारे हक में फ़ायदा हो गया, ये 5 किलो का जो लगेज भरने वाला था मैं, वो मेरा फ्री हो गया, यही भाषा भाषी की वजह से। अब वो सुनिए कैसे हो गया। ये लोग लड़के लोग देख रहे थे, वो 2 लड़के थे ये जो उनके माँ बाप आने वाले थे बम्बई, वो लोग छोड़ने के लिए, वो लोग जॉब करते हैं वहाँ पे बैंक में, उनकी एक बहू थी और 2 बेटे थे, वो लोग छोड़ने आए थे अपने माँ बाप को। उनको लगा कि ये लड़का तर्क वितर्क इतना किया, वो लोग सुन रहे थे, तो इसका मतलब ये आता जाता है, इसलिए इसको जानकारी है सब कुछ, इसलिए इतना बोल रहा है। तो वो लोग मेरे को बोले कि सर आप कहाँ तक जाओगे, बम्बे जा रहे हो ना? तो हम बोले हाँ। तो उससे आगे जाना है क्या? बोले नहीं बम्बे ही जाना है मेरे को। बोले मेरे ये अम्मी है अब्बा हैं, घुमाने के लिए बुलाए थे हम लोग यहाँ बम्बई है, बम्बई बोले सॉरी दुबई, अभी बम्बई जा रहे हैं लोग, तो एकदम नए हैं या थोड़ा अनपढ़ हैं, इनको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा इनको हेल्प करना ना, गाइड कर देना जगह जगह, क्योंकि आपको देखे हम लोग कि आप बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने आपको बोला। हम बोले कोई बात नहीं है,
मैं आराम से ले जाऊंगा इनको, जहां भी ज़रूरत पड़ेगा वहां मैं इनको समझा दूंगा। तो लोग लगे बोलने कि मम्मी है, अब्बू हैं, मतलब एक होता है ना माँ बेटे का प्यार, वैसे लगे उन। हम बोले आपका माँ है तो मेरी भी माँ है, आप टेंशन लो ही मत। बॉम्बे एयरपोर्ट तक मैं उनको बाहर निकाल के तब मैं अलग हो जाऊँगा। वो लोग इतना खुश हो गए, हाथ पकड़ पकड़ लगे चुमने हमको। अब उनको खुश हुआ कि चलो मेरे माँ बाप को बेचारा लेके जाएगा एकदम कायदे से वहाँ तक। अनपढ़ थे हालांकि, मैं नहीं रहता तो थोड़ा बहुत परेशानी आता उन लोगों को, जहाँ जहाँ पासपोर्ट स्कैनिंग करना पड़ता है ना, ऑटोमेटिक दरवाज़ा जो खुलता है, वहाँ समझ में उनको नहीं आ रहा था। मैं खड़ा होकर सब किया, अभी बॉम्बे तक ला दिया। अभी आगे वो गए, वो ट्रॉली से आगे चले गए, उनके घर वाले आए हैं लेने के लिए। हालांकि वो भी धारावी रहते हैं वो लोग, हालांकि हैं वो बिहार के ही। बीच में एक घंटे के बाद फ़ोन उन लोग का आया था, मतलब भोजपुरी में लोग बात कर रहे थे। वो लोग शायद पूछे होंगे बेटा लोग का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, तो लोग भोजपुरी में बोल रहे ना एकदम ठीक बा, आदमी अच्छा बा, एकदम बढ़िया से हेल्प किया हर जगह, मतलब भोजपुरी। उनको नहीं मालूम था कि मैं भी बिहार से हूँ। फिर मैं भी भोजपुरी में बात किया, मैं बोला कहाँ से तार लो बाल लो, तो बता बोले चंपारण से बाई से। फिर हम भी बोले हम भी वहीं से हैं, हम भी बम्बई रहते हैं। तो 5 किलो जो सामान मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था ना, टोटल मेरा हो गया था 37 किलो फ्री रहता है ना, 7 किलो हाथ में, 30 किलो इसमें, उसके बाद 5 किलो एक्स्ट्रा था। इन लोगों के पास सामान कम था हाथ में, उनको मैं थमा दिया ये, तो ये 5 किलो का मेरा पैसा बच गया था। कहाँ से कहाँ घूम के चक्री की तरह आता है। तो इंसान सही रहे, सही रास्ते पे रहे, तो मैंने सही के लिए आवाज़ उठाया तो वो लोग देखे, मेरा जज्बात देखे, तो अपने माँ बाप को मेरे हवाले कर दिए। उनको लगा कि ये बंदा समझदार दिख रहा है, आना जाना इसका है शायद, तो इसको मालूम होगा हर चीज़ बताएगा ये। तो हम उनके काम आ गए, वो लोग मेरे काम आ गए। मेरा ये 550 दरम मेरा बच गया, 550 दरम के इंडिया का हो गया तकरीबन 12-13 हज़ार रुपया, वो बच गया मेरा। अभी इतने का देना पड़ता मेरे को, लाना भी ज़रूरी था। फिर क्या हुआ ना, देखिए कैसे चक्री घूम के आता है। वो जो है, जो जिसको मैं फर्स्ट में बोला था कि मेरा सामान थोड़ा ये है ले लो ना, तुम्हारे पास सामान नहीं है तो, मैं आप करके ही बात किया, अभी तुम बोल रहा हूँ उसको, तो थोड़ा एटीट्यूड में बात किया। बोला नहीं नहीं मेरे पास तो खुद ही लोग लेके नहीं चलता हूँ, मैं नहीं लिया हूँ जानबूझ करके, मतलब अपने आप को थोड़ा बहुत वीआईपी बना उसने। शक्ल सूरत से तो लग रहा था भंगी जैसे, शक्ल सूरत तो नहीं था ऐसा लिबास से कि हाँ कोई स्टैंडर्ड का होगा, लेकिन खाली एटीट्यूड था बस, और कुछ नहीं था। जब मेरा विंडो सीट था, 1 घंटे के बाद आया ना फ्लाइट के अंदर, उसको शौक था विंडो सीट के पास बैठने के लिए, और आके मेरे से ही बोल रहा है। उसको सोचना चाहिए कि मैं इसका लगेज नहीं लिया हूँ तो मैं मांगूंगा विंडो सीट तो देगा नहीं। आके बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे को बहुत शौक है उधर बैठने के लिए, क्या आप सीट चेंज कर देंगे। हम बोले क्यों, मैं क्यों चेंज कर दूँ, तो नहीं मेरे जो है थोड़ा शौक है। हम बोले शौक था तो पहले से बुकिंग कराना चाहिए ना, एक्स्ट्रा पैसा दे के, अच्छा है जब आप बोर्डिंग लिए उसी टाइम ले लेना चाहिए बोल के ना। उसी का जवाब मैंने भी दिया, जैसे वो बोला कि नहीं मैं कम लगेज लेकर चलता हूँ, तो मैं भी जवाब दे दिया उसको अच्छे से, मैं नहीं दिया। अगर नहीं एटीट्यूड दिखाया होता तो मैं तो हमेशा विंडो सीट से बैठता हूँ, नहीं बैठता क्या मुश्किल था, मैं बोलता हूँ तुम ही बैठ जाओ। ये होता है कभी कभी, जज्बात में बात करना फ़ायदे भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी होता है, इसलिए सोच समझ के ही कहीं भी बात करना चाहिए। ओके चलिए मैं चल रहा हूँ, घर वाले आए हैं उनके इंतज़ार में बैठा हूँ, वो लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं हमारे लेने के लिए। तो यही इंसिडेंट सुनाने का मतलब यही था कि देखो कैसे घुमा के चक्री घुमा मेरे साथ। मैं सोच ही रहा था किसको दूँ 5 किलो एक्स्ट्रा जो है, तो भाषाभाषी हुआ, भाषाभाषी में वो बेचारे वो लड़के लोग बोले कि मेरे माँ बाप को थोड़ा सहारा दे देना, रास्ते में थोड़ा गाइड कर देना। हम बोले ठीक है लेके जा रहा हूँ, कोई टेंशन मत लो, आप लोग जाओ बेफिक्र होकर। वो लोग हंसते खेलते फिर चले गए, खुश हो गए वो लोग। फिर इनको मैं बोला कि आप लोग के पास तो सामान कम दिख रहा है, ये मेरा आप लोग ले लो, तो बोले हाँ हाँ दो 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 दो। तो ये 5 किलो एक्स्ट्रा मेरा पैसा बच गया। तो ऐसे होता है, हर इंसान को एक दूसरे के हेल्प करना चाहिए, तो ऐसे गैप से भी हेल्प आता है, ऑटोमेटिक आता है। तो एक बहाना था उससे भाषाभाषी होना काउंटर वाला से, भाषाभाषी काउंटर वाला से हुआ तो ये मेरा हो गया। इसमें 31 किलो था दोनों में मिला के, 1 किलो ज़्यादा था ना, तो जिससे मेरा भाषाभाषी हुआ था उसी के पास मेरा नंबर पड़ गया, तो मैं समझ गया है तो थोड़ा भी ज़्यादा रहेगा तो ये नहीं मानेगा। ये बोलता है सर 1 किलो ज़्यादा है, क्या करना है, पैसा भरेंगे या निकालेंगे। मैं बोला निकालूंगा, इसको इसमें से निकाल के इसमें रख लिया।
या 30 किलो हो गया और वो 5 किलो एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद 7 किलो यानी 12 किलो दोनों मिला के ऊपर वाला था, ये 30 किलो, ये होता है सब। दिमाग से भी चलना पड़ता है कहीं कहीं। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, आप लोग भी इससे कुछ सीखो।